मतलब हमेशा लगते हो, आज बहुत ज्यादा लग रहे हो। थैंक यू। ये जो मतलब रेड कार्पेट पर आने के लिए कितना प्लान किया, बहुत वक्त दिया आपने आज? आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर प्लान किया है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अपने डेब्यू के बाद कोई अटेंड नहीं कर पाई थी कोई भी अवार्ड्स। सो ये मेरे बॉलीवुड में डेब्यू के बाद पहला अवार्ड फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। आई थिंक ब्लैक एंड वाइट इसलिए क्योंकि बहुत एलिगेंट लुक देता है। मैं ज़्यादातर कलरफुल चीज़ें काफ़ी डालती हूँ, तो कुछ चेंज के लिए पहले अवार्ड फंक्शन के लिए कुछ डिफरेंट हो जाए सोच के मैंने साहिल कोचर का ये आउटफिट डाला। यहाँ पे अपनापन इसलिए लगता है क्योंकि भाषा मेरी अपनी है, मैंने ज़िंदगी भर हिंदी में बात करी है, तो अचानक से कैमरे के सामने हिंदी में बात करने बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेरा दो सवाल है, पहला सवाल तो जो पहली फिल्म थी आप स्टोरी थी, लेकिन अब जब आपको देख रहे हैं बेबी में, तो वो जिस तरह से वो फिल्म का प्रोमो इतना ग्रेटिंग है, तो उसके बारे में बताइए। हमने पहले जब फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ था वहाँ पे जानने की भी कोशिश की थी कि बेबी क्या है, तो सबने सब कुछ कहा था लेकिन बेबी के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये बेबी किसका है और क्या है? अगर वो भी बता देंगे तो आप पिक्चर क्या देखने आएंगे, तो एक बार आके देखिए बेबी क्या है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना प्रोमो और जो उसके अभी तक स्टिल्स रिलीज हुए हैं पिक्चर के, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा कि बेबी क्या है। बट पूरी तरह से जानने के लिए एक बार आइए, नीरज पांडे की पिक्चर है अक्षय कुमार के साथ, ऐसे इजीली थोड़ी ना सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा काम करते हो, कितना मजा है, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए ये फिल्म? मैंने काफ़ी इंटेंस फाइटिंग सीक्वेंस किया है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था, तो आपके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा मेरे को, या फॉर दैट मैटर एनी फीमेल ऑन स्क्रीन इतना टेक्निकल फाइट करते हुए आप पहली बार देखोगे।